ज्ञान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सदगुरु लोक उजागर जय। तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम मेरे शत्रु हो। शत्रु नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तू गवाक्ष के क्रोध से बच नहीं पाएगा। कैसी माया रच दी मेघनाथ ने। रुक जाइए प्रभु, मेघनाथ की मायावी शक्ति से भ्रमित होकर हमारे सैनिक आपस में ही युद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार तो हमारी सारी सेना ही नष्ट हो जाएगी प्रभु। हनुमान, ये मेघनाथ की उस मायावी चक्र की शक्ति का प्रभाव है। वो इसे हमारे विरुद्ध प्रयोग कर रहा है। देख लिया हनुमान, अपने कहे का परिणाम। तुम्हारी अपनी सेना ही एक दूसरे की शत्रु बन बैठी है। इन दोनों नर और सुग्रीव को बचाने वाले हनुमान, मेरे चंगुल में फंसी अपनी सेना को कैसे बचाओगे तुम? लाखों वानर एक दूसरे के रक्त के प्यासे। आनंदम। यदि मैंने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेघनाद, ये माया युद्ध छोड़ो। यदि सच्चे योद्धा हो तो सामने से आकर युद्ध करो। मेरे योद्धा होने के लिए मुझे तुम्हारे प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मेरी मायावी शक्तियां ही मेरे योद्धा होने का प्रमाण है। अब देखो मेरी मायावी शक्तियों की भयंकर रक्त क्रीड़ा। बस, बहुत क्रीड़ा कर ली तुमने। जय श्री राम। अब और कोई क्रीड़ा नहीं कर पाओगे तुम मेघनाथ। दुष्ट वानर। हनुमान, तुमने मेरे मायावी अस्त्र को तो तोड़ दिया, किंतु मेरे माया के भ्रम जाल में फंसे अपने वानर सैनिकों को नहीं बचा पाओगे, क्योंकि ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक दूसरे के प्राण ना ले। दुष्ट मेघनाथ, रुकिए, रुक जाइए, रुकिए। क्या कर रहे हो सब लोग? रुकिए, चुगला जंगत क्या कर रहे हैं आप लोग? आपको आपस में युद्ध नहीं करना, राक्षसों से करना है। महाराज सुग्रीव, आपने प्रभु को वचन दिया था कि आप अंगद की सदैव रक्षा करेंगे, और आप ही और युवराज अंगद तुम अपने ही काकाश्री से युद्ध कर रहे हो जिनका तुम सम्मान करते हो। ये सम्मान के योग्य नहीं, वध के योग्य है। वध तो तेरा होगा, मेरे हाथों मरकट। नहीं महाराज सुग्रीव, रुक जाइए। अरे जय श्री राम। यज्ञकूप की माया से प्रभु श्री राम के नाम ने ही उबारा था मुझे। मेरे वानर वीरों को भी इस मेघनाथ की माया के चंगुल से प्रभु श्री राम के नाम की गूंज ही मुक्त कराएगी।
श्री राम। ये हमें क्या हो गया था? जय श्री राम। प्रतीत होता है मेघनाथ की कोई माया थी ये। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे क्षमा कर दो मित्र। मुझे भी क्षमा कर देना मित्र। पुत्र अंगद, काकाश्री, क्षमा कर दे मुझे मित्र। काकाश्री, मेरे सम्मान अस्त्र का प्रभाव नहीं टूट सकता, नहीं टूट सकता। मेघनाथ की माया से ये अभी तक परिचित नहीं है। अब ये दुष्ट मेघनाथ क्या करने वाला है? बात कर लिया तुम वानरों ने इस नर के नाम का जाप, और अब ना तो ये नर जीवित रहेगा और ना इस नर के नाम का जाप करने वाले वानर। हनुमान को परमपिता ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है कि माया का बंधन हो या कोई अन्य बंधन, इन्हें किसी पाश में नहीं बांधा जा सकता। किंतु प्रभु श्री राम तो साधारण नर के रूप में हैं, क्षत्रिय धर्म की मर्यादा में बंधे होने के कारण कभी अस्त्र नहीं उठाएंगे। कैसे सामना करेंगे प्रभु इस नाग पाश रूपी अस्त्र का? लक्ष्मण जी तो नाग पाश में फंस गए, अनर्थ हो गया ये तो। स्तंभित कर दिया है नाग पाश ने प्रभु और लक्ष्मण जी को। अभी तक केवल स्तंभित हुए हैं ये दोनों, किंतु दोनों के प्राण लूंगा मैं अपने नागास्त्र से।
हनुमान जी। प्रभु भैया लक्ष्मण, प्रभु भैया लक्ष्मण, नहीं प्रभु ये नहीं हो सकता। मेरे नेत्रों के समक्ष ये सब हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। धिक्कार है मुझ पर और मेरे बल पर। आनंदम, अति आनंदम। दुष्ट मेघनाद। प्रभु लक्ष्मण भैया, ये क्या महान अर्थ हो गया प्रभु। मेरे साथियों की ये दशा। प्रभु आपका ये भक्त कैसा हृदय विदारक दृश्य देखने के लिए विवश हो गया है। जब मेरे प्रभु मूर्छित है तो हनुमान क्यों किसी भी पाश में ना बंधने के वरदान से सुरक्षित है। मुझे क्षति न पहुंचने का बस एक ही कारण हो सकता है प्रभु, कि ये भक्त आपकी और सेवा कर सके। और सेवा कर सके प्रभु, उठिए। प्रभु आपको और वानर सेना को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा प्रभु। आप तो धर्म युद्ध कर रहे हैं प्रभु, प्रभु इसी कारण आपने अपना धनुष नहीं उठाया, जिसका अनुचित लाभ उठाकर मेघनाद ने छल से नागपाश का वार किया प्रभु। परंतु धर्म के पथ पर चलने वालों की परीक्षा अवश्य हो सकती है, किंतु पराजय कदापि नहीं। इस नागपाश का तोड़ अवश्य होगा। उठिए प्रभु, मुझे इसका तोड़ बताइए। वचन देता है आपका ये भक्त हनुमान सृष्टि के किसी भी कोने से उसे ढूंढ लाएगा प्रभु। आप बस उठिए। कोई तोड़ नहीं है नागपाश का, उसका प्रभाव अवश्य होकर रहेगा। कल प्रातःकाल लंका में सूर्य की प्रथम किरण प्रवेश करते ही संपूर्ण वानर सेना का अंत हो जाएगा पिताश्री। और इतना ही नहीं, उस वनवासी की मृत्यु के साथ ही देवी सीता आपकी हो जाएंगी। क्या हुआ पिताश्री, कल जब मैं युद्ध में असफल होकर लौटा था तो आपने मुझे कितने कटु वचन कहे, किंतु आज जब मैं राम लक्ष्मण उसकी शत्रु सेना को मरणासन कर लौटा हूं, आपके मुख पर प्रसन्नता का एक भी चिन्ह नहीं। प्रसन्नता मुझे अवश्य होगी पुत्र, परंतु तब जब ये समाचार वो सीता सुनेगी, वो तड़पेगी, तब मुझे प्रसन्नता होगी। विचलित क्यों हो रही हूं? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी अनिष्टकारी शक्ति ने
भीतर से जकड़कर बांध लिया हो मुझे। विचित्र बात है, या कोई भी नहीं है। त्रिजटानला सभी कहाँ चली गई? मेरे स्वामी, मेरे राम सब कुशल तो है ना? प्रभु उठिए, अपने भक्त पर दया कीजिए। इस संकट से उबरने का मुझे कोई मार्ग तो दिखाइए प्रभु, उठिए। भ्राता लक्ष्मण, आप तो प्रभु के रक्षा स्तंभ है ना, आप ही कृपा करके मुझे इस अवस्था से मुक्ति कराने का मार्ग बताइए भैया लक्ष्मण, बताइए। भ्राता सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव उठिए। वानर राज सुग्रीव, आप तो वानरों के अधिपति हैं, आपको तो इस समस्या के निवारण का उपाय अवश्य ज्ञात होगा। मामा जामवंत सदैव के समान आज पुनः हनुमान को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मामा जामवंत उठिए, मुझे बताइए कि मैं इस घोर विपत्ति पर विजय कैसे प्राप्त करूं। मामा जामवंत, मामा मामा उठिए। युवराज अंगद, नल, नील, गवाई, गवाक्ष, कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा? हनुमान इस संकट को दूर करने के लिए तत्पर है, परंतु इसका उपाय ज्ञात नहीं है मुझे। उठो, मेरी सहायता करो। नारायण नारायण, प्रभु की ऐसी अवस्था, हनुमान की ऐसी पीड़ा और उनकी विलापता का यह दृश्य देखना असहनीय है। मैं चाहता हूं कि सीता अपने पति उस वनवासी की पराजय और उसकी आसन्न मृत्यु का दृश्य अपने नेत्रों से देखे। जाओ, पुष्पक विमान पर ले जाओ उसे, करने दो उसे अपने पति के अंतिम दर्शन। उसके पश्चात लाचार होकर उसे मेरा कहा मानना ही होगा। क्षमा करें महाराज, मुझे ही विश्वास नहीं कि कोई श्री राम का अहित कर सकता है। तो फिर देवी सीता को यह विश्वास दिलाना और उन्हें आपके विमान पर युद्ध स्थल जाने के लिए विवश करना असंभव है। विवश करना होगा उसे, अन्यथा तुम सबको मृत्यु दंड।